डेविस ग्रीन मिंगोज रूल, ये रूल्स लिखे हुए हैं पहले, ये एक बार आप लिख लीजिए वीडियो पॉज कर, फिर इनके बारे में आगे हम डिस्कशन करते हैं। उसमें फर्स्ट रूल है कि न्यूक्लियोफिलिक का अटैक करवाना है आपको, और उसमें प्रिफरेबली अच्छा प्रिफरेंशियली कौन है, तो यदि आपको पोलिंस दी गई है, पोलिंस मतलब इथिन प्रोपिन ब्यूटिन, उसे हम बोलेंगे पोली इन, मतलब एक से ज़्यादा इन रिंग होगी, तो उसमें पहले आप इवन पोलिंस को पकड़ोगे किनके कंपेयर में, ओड पोलिंग के। सेकेंड है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवानी है तो इवन ओपन पोलिंस में, फिर ओड ओपन पोलिंस में। नेक्स्ट है इन केस ऑफ इवन पोलिंस दी गई है तो आपका न्यूक्लियोफाइल टर्मिनल साइट पर अटैक करेगा, यदि ओड पोलिंस दी गई है तो आपका न्यूक्लियोफाइल इंटरनल साइट पर अटैक करेगा। एंड लास्ट है यदि ओड पोलिंस दी गई है बट यहां पर कंडीशन दी गई है विथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो आपका न्यूक्लियोफाइल टर्मिनल साइट पर अटैक करेगा। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, सिर्फ इतना लिख लीजिए, फिर देखते हैं इनके एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल, और ये क्वेश्चन नेट दिसंबर 2019 में पूछा गया है। द मेन प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ एच माइनस ऑन द कॉम्प्लेक्स, आपको एच माइनस का अटैक करवाना है इस कॉम्प्लेक्स पर, तो आपको कौन सी प्रोडक्ट मिलने वाली है, ठीक है, इनके बारे में चलो डिस्कशन करते हैं। चलो हमारा फर्स्ट रूल था इवन पोलिंस कंपेयर टू ओड पोलिंस, तो यहां पर देखिए ये है हमारा इटा सिक्स कॉम्प्लेक्स, ये है हमारा इटा फोर कॉम्प्लेक्स, और ये है हमारा इटा थ्री कॉम्प्लेक्स। यहां पर तीन इथिन है, मतलब वो साइक्लिक है, यहां पर दो है, यहां पर एक, एंड एक नेगेटिव चार्ज है। फर्स्ट रूल क्या बोल रहा था, फर्स्ट रूल बता रहा था आपको इवन पोलिंस पकड़नी है, ओड पोलिंस नहीं। तो देखिए इन दोनों में, इन तीनों में इवन कौन है, इवन है ईटा सिक्स, ये इवन है ईटा फोर, ये भी इवन है, मतलब आपको यहां पर अटैक नहीं करवाना, ये निकल गया। फिर से सेकंड रूल हमारा क्या बता रहा है, यदि आपने इवन पोलिन पकड़ी तो उसमें से पहले अटैक करेगा ओपन पोलिंस, किनके कंपेयर में, ओड पोलिंस। तो देखिए यहां पर ये ईटा फोर है, ये ओपन है, ओपन मतलब साइक्लिक नहीं है, एसाइक्लिक है, और यहां पर ईटा सिक्स है, ये क्लोज है, ये रिंग बनी हुई है, मतलब यदि ओपन एंड क्लोज है, दोनों इवन है, तो आपको पहले अटैक कहां पर करवाना है, पहले अटैक करवाना है ओपन पोलिंस में, ये देखिए। तीसरी बात, इन केस ऑफ इवन पोलिंस दी गई है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेगा टर्मिनल साइड पर, आप इवन पोलिंस में अटैक करवा रहे हो तो टर्मिनल साइड पर, यदि ओड पोलिंस में अटैक करवा रहे हो तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इंटरनल साइड पर। तो देखिए यहां पर है हमारी इवन पोलिंस, मतलब न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा टर्मिनल पर, मतलब ये सब मैं हटा देता हूं समझने के लिए। न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या है, एच माइनस, मतलब ये अटैक करेगा, इसे बोलते हैं हम टर्मिनल अटैक, इसे बोलते हैं टर्मिनल अटैक। यदि एच माइनस ने यहां से अटैक किया, इसे बोलेंगे हम इंटरनल अटैक। यदि इवन पोलिंस है, ये इवन पोलिंस है ईटा फोर, तो ये अटैक नहीं हो सकता क्योंकि ये इंटरनल है, और ये अटैक हो सकता है क्योंकि ये टर्मिनल है, ठीक है। तो आपकी प्रोडक्ट क्या आएगी, ये आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। सबसे पहले और एक बात, पहले इवन को चूज करना है, ओड को भूल जाओ, मतलब यहां पर अटैक नहीं होगा, यहां पर जिसने भी अटैक करवाया वो रिंग निकाल दो। तो देखिए आंसर सी, इसमें यहां पर अटैक हो रहा है, आंसर डी, उसमें भी यहां पर, मतलब डी आंसर निकल गया, यहां पर नहीं हो रहा है, यहां पर नहीं, मतलब ए एंड बी में से दोनों में से कोई भी एक है। अब आपको देखनी है ये ईटा सिक्स है, ये नीचे वाली ईटा फोर है, ये ओपन है, ये क्लोज्ड है, तो ओपन एंड क्लोज में से पहले अटैक करवाना है ओपन में,
मतलब यहां पर उसने अटैक करवाया क्लोज में, मतलब आंसर ए बी निकल गया, आंसर आना चाहिए आपका आंसर बी, ये था डीजीएम रूल, एकदम सिंपल। फिर एक बार देख लेते हैं, पहला काम आपको पोलिंग्स पकड़नी है ओड या इवन, यदि ओड है तो उनसे पहले प्रिफरेंस देना है आपको इवन को, इवन चूज कर ली तो उसमें से आपको ओपन इवन पकड़नी है, क्लोज नहीं, ठीक है, इवन यहां पर ओड नहीं, ओड नहीं क्लोज होगा, ओपन इवन क्लोज पोलिंग, ओके, ये ओपन पोलिंग ये क्लोज पोलिंग। सेकंड है, यदि इवन पोलिंग्स है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक टर्मिनल साइड मतलब छेड़े के साइड से होगा, यदि ओड है तो इंटरनल साइड से, इवन है तो टर्मिनल, ओड है तो इंटरनल, यदि ओड है एन साथ में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप, तो आपको अटैक करवाना है इंटरनल साइड पर वरना टर्मिनल पर, ठीक है। तो ये था हमारा नेट का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए आपको, तो अब देखिए यहां पर ये है इटा फाइव, ये है इटा फाइव, इसे हम बोलने वाले हैं ओड, ये है इटा थ्री, ये भी है ओड, मतलब दोनों ओड है तो कोई भी एक ओड पर होगा, उसमें से सेकंड रूल आप अप्लाई कीजिए, ये है ओपन ओड, ये है क्लोज ओड, मतलब पहले ओपन पर अटैक करिए कीजिए तो ये ओ ईमी थ्री का अटैक इस पर होगा इटा थ्री पर। अब देखिए ओड है तो अटैक कहां से होना चाहिए, ओड है तो अटैक होना चाहिए इंटरनल साइड पर, फिर से एक बार, यदि ओड है तो अटैक होना चाहिए इंटरनल साइड पर, बट एक कंडीशन दी गई है, यदि आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या कोई पाई एक्सेप्टर लिगेंड जुड़ा है तो आपको अटैक करवाना है टर्मिनल साइड से। तो देखिए यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या पाई एक्सेप्टर ग्रुप लगा हुआ है, हाँ ये दोनों पाई एक्सेप्टर है, मतलब प्रोबेबिलिटी दो थी हमारे पास कि ये ओईमी थ्री है ये इंटरनल अटैक करे या फिर टर्मिनल। यदि आपने फोर्थ रूल नहीं पता, आपको फोर्थ रूल नहीं पता तो आप अटैक करवाओगे इनका, यहां पर इसे बोलते हैं इंटरनल अटैक, तो आपकी प्रोडक्ट कुछ ऐसी आने वाले हैं, ये फाइव मेंबर रिंग, यहां पर है एमओ, यहां पर है एनओ, यहां पर है सीओ, आपने अटैक करवाया ओएमई का इंटरनल में, ठीक है। यदि आपको पता है कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड जुड़े हुए हैं तो आपका अटैक कहां पर होगा, ये ओएमई थ्री का, ओएमई माइनस का अटैक होगा टर्मिनल पर, मतलब आपको प्रोडक्ट यहां पर मिलने वाली है, ये मेटल उनके साथ जुड़ी हुई है पाई सीपी रिंग, यहां पर एनओ, यहां पर सीओ, देखिए इसने टर्मिनल पर अटैक किया, मतलब ये थ्री मेंबर रिंग और यहां पर जुड़ गया ओएमई, आपका आंसर है ये सही है, ये गलत है, ओड दी गई है, बट यदि आपको यहां पर कोई पाई एक्सेप्टर लिगेंड नहीं दिए, फॉर एग्जांपल यहां दे दिया NME3, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर ये होगा, बट यहां पर आपको क्वेश्चन पाई एक्सेप्टर लिगेंड दिए गए मतलब आपको टर्मिनल अटैक करवाना है, ये काफी आईएमपी टॉपिक है और अब इसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है, लिखिए इतना। तो आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए हमारी चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले दिखाई देगी। थैंक यू सो मच।